साथ हैं हमारे माननीय राज्यपाल राजस्थान के श्री कलराज मिश्र साहब। हमारे साथ उपस्थित हैं एसोचैम के प्रेसिडेंट श्री निरंजन हीरानंदानी जी, प्रोफेसर के अग्रवाल जी, चेयरमैन नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, डॉक्टर प्रशांत भल्ला, चेयरमैन एसोचैम नेशनल एजुकेशन काउंसिल, और को चेयरमैन कुमार शेखर विजेंद्र जी, जो कि एसोचैम के एजुकेशन काउंसिल के को चेयरमैन हैं। सर, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस क्रूशियल समय में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय निकाला। वैसे तो कोरोना वायरस कोविड-19 का इम्पैक्ट हमारे सभी सेक्टर्स पे पड़ा है। सर, एसोचैम, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, एसोचैम एक औद्योगिक संगठन है। एसोचैम के पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर लगभग 4 लाख इंडस्ट्री मेंबर्स हैं, और एसोचैम लगभग 80 से 90 अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो 4 लाख मेंबर्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा एमएसएमई और मध्यम और छोटे उद्योग वर्ग से जुड़े हुए इंडस्ट्री मेंबर्स हैं सर। इसके साथ साथ एसोचैम एनवायरमेंट, एजुकेशन और बाकी सब बहुत गंभीर मुद्दों पर भी हमारे पास काउंसिल्स हैं जिसपे एसोचैम काम करता है। कोविड-19 का इम्पैक्ट सभी सेक्टर्स पे कम और ज्यादा पड़ा है, और देश और संसार के सभी व्यक्ति इससे इससे परेशान हुए हैं। हम आज ये चर्चा करना चाहते हैं कि कोविड-19 का हायर एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमारे जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं राजस्थान में और देश भर में, इनको कोविड-19 की समस्या से निपटने के लिए क्या तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कोई प्रभाव ना पड़े। बाकी इंडस्ट्रीज तो जरूर है कि देर सवेर रिकवर कर जाएंगी, लेकिन अगर एजुकेशन में इम्पैक्ट पड़ता है तो एजुकेशन का इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म में नजर आता है सर। अगर स्टूडेंट्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ, उनकी शिक्षा के साथ, क्वालिटी में कोई समझौता होता है तो इसका इम्पैक्ट उनके जीवन भर पे पड़ सकता है। तो इसीलिए ये मुद्दा और ये क्षेत्र ज्यादा महत्ता रखता है सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा निरंजन हिरनदानी साहब से कि वो वेलकम एड्रेस दें और इस संबंध में बताएं। सर, नमस्कार। बहुत बहुत खुशी है साहब कि कलराज मिश्रा जी आपने माननीय गवर्नर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। ये पूरे प्रोग्राम का एक स्टैम्प दिया जाता है कि आप मौजूद हैं और हमें ये दृष्टि दिखाए, हमें डायरेक्शन दिखाए कि देश और एजुकेशन कहाँ जा सकती है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ आज जुड़ गए, वो भी हमारे कम्युनिकेशन के, वीडियो कम्युनिकेशन और वेबकैम के द्वारा। इसलिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही खुशी होती है कि आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ भी जो विजेंद्र साहब हैं हमारे एसोसिएशन के, और के अग्रवाल साहब नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। मेरे अंदाज से आपकी जो डायरेक्शन रहेगी उसमें हमें चलना है। पूरे देश के स्टडीज और एजुकेशन इस दृष्टिकोण से होगा। मोहित गंभीर साहब, पंत साहब, भल्ला साहब, आप सब आए मौजूद हैं, बहुत खुशी होती है। मेरे अंदाज से कोविड-19 एक इतना गंभीर समस्या हमारे देश में, विदेश में, पूरे दुनिया में हुआ है कि हमें मान को, लोगों को कैसे हम बचाएं, उसी दृष्टिकोण से हम ये देख रहे हैं। लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो हम परिवर्तन ला सकते हैं उसके ऊपर हम ध्यान दें तो मेरे अंदाज से ये समय हम यूज कर सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी के द्वारा कि हम परिवर्तन कहाँ और कैसे करें कि एजुकेशन को जो लेवल पर हम ले है आज के तारीख पे है, हम दूसरे लेवल पर ले सकते हैं। बॉम्बे में मैं ट्रस्टी हूँ 17 कॉलेजेस के और 8 स्कूल्स के ट्रस्टी हूँ। हमारे पास 45,000 स्टूडेंट्स है इस समय पर हमारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन में, और जो मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो ये 17 कॉलेजेस में हम परेशान थे कि हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन रहा है तो हम आगे कैसे चलें। तो हमारी यही थी बात कि हम कैसे ये वेबकैम और अलग अलग सिस्टम्स हम यूज करें कि हम कैसे पहुंच जाएं। हमारे पास स्कूल्स भी हैं,
हमारे पास 8 स्कूल्स हैं, वहां भी लगभग 19,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और वो घर में बैठे हैं, परेशान थे क्योंकि उनको कैसे हम करें। आज की तारीख में गवर्नर साहब, हम खुशी से आपको बता सकते हैं कि एक परिवर्तन हमने लेके आए। लगभग 20,000 स्टूडेंट्स कॉलेजेस में, जिसके एग्जाम्स पूरे नहीं हुए या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट कर रहे हैं, 20,000 स्टूडेंट्स की आज शिक्षा इस वेबकैम के द्वारा शुरुआत हो गई है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, हम ऐसे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने लोगों को शिक्षा हम करेंगे। दूसरी बात हमने देखे कि एक हम स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो ज्यादा हो गई। कदाचित ये हो भी सकता है क्योंकि वो घर में बैठे हैं तो कुछ भी वो स्टडीज करने में लग जाए और उनका ध्यान इसके ऊपर ला, तो ये दूसरी बात रही। तीसरी बात हमारे पास रहा कि हमारे पास जैसे 17 कॉलेजेस हैं, उनके साथ हम मीटिंग रखे, तो हम रोज ये विचार करते हैं कि ये हायर एजुकेशन का हम परिवर्तन कैसे लाएं, हम सिलेबस में क्या ऐड कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री, कॉमर्स और रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे जुड़े। हम पहले सोचते थे कि जो सिलेबस में फर्क है उसको कैसे हम प्रगति करें, कि जो लोग इंडस्ट्री के हैं हमें बताएं कि क्या शिक्षा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो लास्ट 10 दिन के अंदर हमारे पास लगभग 20 लेक्चर हो गए हैं, जहां इंडस्ट्री लीडर हमको बताएं कि हर कोर्स में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। चौथी बात ये रही कि हम दूसरे कॉन्फ्रेंसेस रखें हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो हम आउटसाइडर को लेक्चर दिए गए। एक लेक्चर में हमारे पास लगभग 2,500 विद्यार्थी एक साथ में लेक्चर सुने, ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं था हमारे कॉलेजेस में, कभी नहीं रहा था कि हमारे 4-5 कॉलेजेस के विद्यार्थी एक साथ में आके पढ़े। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपके आशीर्वाद से ये एक अपॉर्चुनिटी के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि ये जो परिवर्तन आया है, हम कैसे पूरे विश्व के जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उसको कैसे हम अपनाएं और हमारी टीचिंग को हम इम्प्रूव कर सके। और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, हमारे जो नए यूनिवर्सिटी यहाँ मुंबई में हम जोड़ रहे हैं, उसमें हम स्किल डेवलपमेंट भी एक भाग रखा है, योगा का भी एक कोर्स कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से ये जो परिवर्तन है, ये वीडियो और इसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए ये नेगेटिव समय हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि ये नेगेटिव समय हम कैसे अपॉर्चुनिटी में बना के एक हायर एजुकेशन को अलग लेवल पर ले सके, हम इंडस्ट्री और कॉमर्स और वगैरह जो है उनको इसके साथ जुड़ जाए। और आपके आशीर्वाद से हम समझे कि आगे आपके लीडरशिप के अंदर हम कैसे ये हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट पर ऐसे दृष्टि पर ले जाए कि बाहर के स्टूडेंट्स वहां अमेरिका में नहीं जाए, लेकिन वहां के स्टूडेंट्स यहाँ आ जाए हमारे यहाँ शिक्षा करने के लिए। एक समय था जब भारत लीडरशिप लेती थी कि एजुकेशन और हायर एजुकेशन विश्व में, मेरे अंदाज से एक समय आ गया है कि ये COVID-19 के बाद में फिर एक समय आ जाएगा जहां हिंदुस्तान, भारत एक लीडरशिप फिर ले आ सकते हैं। आप, मुझे बहुत खुशी होती है कि एसोचैम के द्वारा और आपके लीडरशिप के साथ में हम इसको आगे कैसे भी बढ़ा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे साथ जुड़े और बहुत खुशी होती है कि आपसे मुलाकात करें। नमस्कार। धन्यवाद नीरज सर, निरंजन सर, आपका संदेश हमेशा ही हमारे लिए प्रोत्साहन का संदेश रहा है। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे नेशनल एजुकेशन काउंसिल के को चेयरमैन श्री कुमार शेखर विजेंद्र जी से कि वो अपनी बात रखें और बताएं कि कैसे हम इस समस्या से, हमारे एजुकेशन सिस्टम बाहर आ सकते हैं। सर, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद
वो इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे साथ हैं और एक दिशा निर्देश गाइडेंस वो हमें देंगे। मैं एसोचैम की नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑन एजुकेशन के बिहाफ पर ऑन बिहाफ ऑफ आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रशांत बल्ला एंड ऑल कलीग्स आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। श्री कलराज मिश्र जी को वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि पूरे देश में करीब 1000 लोग इसे लाइव देख रहे हैं, तो ये बताने में मुझे हमेशा ही खुशी होती है कि माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गाजीपुर जिले में पैदा हुए, एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर यहाँ तक आए, और जिस भी पद पर आप रहे, चाहे वो कैबिनेट में एमएसएमई मिनिस्टर थे भारत सरकार में या उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रभार रहे, हमेशा देश, शिक्षा, समाज और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए आपका बहुत योगदान रहा है। उसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप हमारे बीच में हैं, हम सब सम्मानित हैं। तो आज का ये विषय है ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन कोविड-19। सारा विश्व जब ये कोविड-19 आया तो संपूर्ण विश्व इसे एक महामारी के तौर पर, एक मुसीबत के तौर पर देख रहा था। हमें भी शिक्षा के क्षेत्र में, हम सब लोग हैं, मैं शोभित विश्वविद्यालय मेरठ और शोभित विश्वविद्यालय गंगो का चांसलर भी हूँ, ये सौभाग्य मुझे मिला है। और आप 2015 में आप वहाँ आए भी थे मेरठ में, और आपका आशीर्वाद हमें वहाँ मिला था। तो जब ये कोविड आउटब्रेक हुआ तो सारे देश में एक सडन ऐसा हुआ कि क्या होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे ही लगने लगा कि अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया एक डर में जी रही थी, एक डर बना हुआ था। लेकिन भारत में हमारे डायनामिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें उस फियर जोन से निकालकर एक्शन और लर्निंग जोन में डाल दिया। सारा का सारा देश और विशेष तौर पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें एक नई दिशा मिली। और ये जानते हुए कि बदलाव आना है, हम ये नहीं जानते थे कि ये बदलाव इतनी जल्दी आएगा, क्योंकि डिसरप्शन तो प्रकृति का नियम है, बदलाव आते रहेंगे। और इस डिसरप्शन को कैसे एक अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू क्रिएशन में बदलना था, इस दिशा में आज देश के 1000 के करीब विश्वविद्यालय, सभी उच्च शिक्षा संस्थान काम कर रहे हैं, और राजस्थान में आपके मार्गदर्शन में इसमें बहुत विशेष कार्य हो रहा है। तो इसी विषय को लेके आज जब ये चर्चा का विषय आया और आपने हमारा अनुरोध एज कीनोट स्पीकर और एक मार्गदर्शक के तौर पर स्वीकार किया, तो हमें ये लगता है कि सर इस पूरी महामारी में, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वह ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु सृष्टि को चलाते हैं, और महेश उसका सहार करते हैं कि फिर एक नया निर्माण हो। तो कहीं ना कहीं इसे भी उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारी चीजें शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग करते आ रहे थे और नई चीजों को, नए विचारों को लाने में कहीं ना कहीं झिझक थी, उस झिझक को इस क्राइसिस ने तोड़ दिया। हम लोग ये मानते थे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो थी लेकिन माइंडसेट नहीं था। हमें लगता था कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी, जो टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, क्या ही पॉसिबल है। लेकिन अचानक आई इस क्राइसिस ने हमें वो एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया, और आज पूरे देश में सभी विश्वविद्यालय इस क्राइसिस से एक सीख लेके बहुत नई चीजों को, नए एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जहां हम लोगों ने एक कल्चर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन को अपने संस्थाओं में डाला इस क्राइसिस के बाद, वहां हम टीचर से को लर्नर बन गए। क्योंकि अभी तक हुआ ये है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाते रहे जो हमें पढ़ाना था संस्थाओं में, लेकिन अब हम भी सीख रहे हैं, हमारे टीचर्स भी सीख रहे हैं, सब लोग नया नया सीख रहे हैं, और इस नए सीखने की जो ये यात्रा है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी। और कुछ चीजें जो मुझे लगता है सर, जिसपे हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन भी करें,
और आप उस विषय पे बताएं भी, क्योंकि जब मैं देखता हूँ इस क्राइसिस को और अपॉर्चुनिटी के तौर पे, तो व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे मुझे ये लगता है कि इस जो एक महीना पिछला बीता है, इसने हमें क्यूरोसिटी सिखाई नया करने की, करेज दिया, साहस दिया नया करने का, कंपैशन सिखाया दूसरों के दर्द को बांटने का और उसे समझने का, कमिटमेंट दिया कि हम देश को आगे ले जाएंगे, अपनी चीजों को चलते रखेंगे, कोलैबोरेशन की एक आदत डाली और कामनेस दी है। तो यदि इतना कुछ इसने हमें दे दिया तो ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई। और जहाँ शिक्षण संस्थानों की बात है, वहाँ इनोवेशन की एक कल्चर और जरूरत एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमारे सबके सामने आई है। हेल्थ एजुकेशन को हमें सभी विश्वविद्यालयों में ले जाना है, ये बात समझ में आ रही है। और जितनी भी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं अपने यहाँ, उस रिसर्च को सोशली रेलिवेंट बनाने की आवश्यकता है। इस विषय पे हमें आज सोचने की जरूरत है, जिसपे हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ सामाजिक हैंड होल्डिंग के लिए कि हमें सिर्फ अकेले अकेले नहीं चलना है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ सर, मैं कहता हूँ कि हम लोग आयरलैंड ऑफ एक्सीलेंस बन गए हैं, हम अपने आप में ही समाहित हो गए। मैं एक अच्छा विश्वविद्यालय हूँ बस, लेकिन मेरा पड़ोसी अच्छा है या नहीं, या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ या नहीं, उस विषय पे हम लोग बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर रहे थे। लेकिन इस क्राइसिस ने यह बताया कि जब हम साथ होंगे, जब एक दूसरे के साथ चलेंगे, जो मुझे आता है मैं दूसरे को बताऊंगा, जो दूसरे से मैं सीख रहा हूँ, उस हैंड होल्डिंग को हमें साथ लेने की जरूरत है। और समाज में हम आपके मार्गदर्शन में इसे और आगे लेके जाएं, शिक्षा में क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं उस पे आपका मार्गदर्शन हम चाहते हैं। और आपके विचारों को सुनने के लिए ही इतना बड़ा ऑडियंस ऑनलाइन और हम सब लोग यहाँ पर हैं। मैं पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद कुमार शेखर विजेंद्र जी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 800 लोग 800 अटेंडीज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं लाइव। सर सर मैं निवेदन करूंगा के अग्रवाल जी से, जो कि चेयरमैन है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के, कि वो इस बारे में अपने विचार रखें और हमें दिशा निर्देश दें। के अग्रवाल जी साहब, के अग्रवाल जी सर आपका जो अनम्यूट कर लीजिए सर। आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, एसएचएम के चेयरमैन हिरानंदानी जी, एजुकेशन काउंसिल के प्रशांत भल्ला जी, कुंवर विजेंद्र शेखर जी और मोहित गंभीर जी, इनोवेशन काउंसिल एमएचआरडी से, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस अवसर पर आपने अपने विचार रखने का मौका दिया। माननीय कलराज मिश्र जी, जो राज्यपाल बनने से पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर बहुत ध्यान देते रहे हैं, तो उनको ध्यान होगा कि बहुत बार हमने जब भी इस तरह के सेमिनार किए, तो जब भी डिजिटाइजेशन की बात उभर के आती थी, जो देश में बहुत तेजी से उभरी है लास्ट 3-4 साल में, हमेशा ये बात कही जाती थी, एटलीस्ट मैं ये हमेशा मानता था कि जिस दिन हम एम हेल्थ और एम एजुकेशन को कर लेंगे, उसी दिन हम डिजिटाइजेशन का पूरा फायदा उठा पाएंगे। मोबाइल के द्वारा हेल्थ सेवा और मोबाइल के द्वारा एजुकेशन का प्रयोजन, जिस दिन ये दो काम हम सिद्ध कर लेंगे, डिजिटाइजेशन का रियल फायदा हम उठा पाएंगे। और ये कोई संयोग की बात है कि एक दुर्भाग्यवश घटना ने हमें इस तरह मजबूर किया और आज हम मोबाइल हेल्थ और मोबाइल एजुकेशन दोनों में बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं और ये विश्वास हो गया है कि ये बहुत यूजफुल टूल्स हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। मोबाइल हेल्थ की यदि पहले बात करूं, तो सबसे एक सिंगल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु ही इतना ज्यादा पेनिट्रेशन हमें अलाउ कर सकेगी फॉर ट्रैकिंग, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स, एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वो जैसे हम
मनुष्य की आदत है, जो हो जाता है वो टेकन फॉर ग्रांटेड लगता है, पर यदि मैं देखता हूँ कि एक सिंगल एप्लीकेशन जो हमें 10 दिन बाद भी ये बताती है कि वो आदमी संक्रमित था जिसके कॉन्टेक्ट में आप आए थे, एक बहुत बड़ी डिजिटाइजेशन की एप्लीकेशन है जो इस अफसर ने हमें दी। उसके बाद शिक्षा पे जो मेरा मेन विषय है उस पर मैं यदि बात करूं तो जैसे हीरानंदानी जी ने कहा, जब ये लॉकडाउन सडनली डिक्लेयर करना पड़ा हमारे डायनेमिक प्रधानमंत्री जी को, और ये सारा विश्व मानता है कि हमने जल्दी ये स्टेप लेकर भारत को बहुत हद तक बचा लिया, तो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स बहुत चिंता में थे कि होगा क्या, शिक्षा का सत्र पूरा होने वाला है और क्लासेस लगेंगी नहीं, क्या होगा। लेकिन आज मेरी जितने भी कुलपतियों से बात होती है, जितने भी डायरेक्टर से बात होती है, सबका ये मानना है कि यह बहुत ठीक से चल रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में काफी संतोषजनक रूप से चल रहा है, और बहुत से अध्यापक तो मुझे ये बताते हैं कि जो बच्चे क्लास में नहीं आते थे वो भी ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन में अटेंडेंस बेटर हुई है। तो जब जिसके पास हम जाना चाहते थे हम इफेक्टिवली जा पाए हैं, हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन में और फेस टू फेस एजुकेशन में कुछ थोड़ी बहुत कमी रहती हो, लेकिन उसको धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। लेकिन बहुत सफल ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सपेरिमेंट देश में, चाहे मजबूरी में हो गया लेकिन हो गया है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरफ भी बहुत यूनिवर्सिटियां अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, अलग अलग तरीके से बात कर रही हैं, और मुझे विश्वास है कि वो भी हम बहुत सफलतापूर्वक कर ले जाएंगे। तो मेरे इसमें 2-3 छोटे छोटे बिंदु हैं। आर्थर क्लॉर्क जो कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा ऑथर था, तो उसने ये लिखा था कि एनी रियल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक। तो जब कोई डिसरप्शन आता है तो उसको जादू ही लगता है। हमने डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की बहुत बार बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, डेटा साइंस की हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हो, वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यह एक ऐसा डिसरप्शन आया जो नेगेटिव डिसरप्शन आया, जिसने एकदम दुनिया को हिला दिया, भारत को भी हिला दिया, और हम सबको जीवन के उस रास्ते पे चलने पे मजबूर कर दिया जो हमने ना सोचा था, ना कभी प्लान किया था, ना ये सुयोजना बनाई थी। लेकिन ये एक जादू जो है ये हमें बहुत कुछ सिखा गया, जो हमारे साथ इसके वायरस के खत्म होने के बहुत बाद भी काम आएगा। ये पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज ए सक्सेस, ये अब हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश हो गया है, और इसकी क्वालिटी भी रीजनेबली ठीक रखी जा सकती है, ये भी एस्टेब्लिश हो गया है। तो इसका यदि मैं सीधा सीधा मतलब निकालता हूँ, जो मैंने कई लोगों से बात भी की है पिछले सप्ताह में, कि जो हमारे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे अच्छे संस्थान हैं, उनमें यदि हम ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग में चले जाएं, जैसे कुछ काम हम रेगुलर समय में भी ऑनलाइन एजुकेशन से ही करें, जैसे बच्चे को सपोज 5 दिन के बजाय 3 दिन इंस्टीट्यूशन में जाकर वो पूरी लेबोरेटरी की सुविधा मिले, ऑनलाइन पीसीपी कॉन्टेक्ट की सुविधा मिले, और बाकी उसका काम ऑनलाइन एजुकेशन से घर पे हो सके, तो इससे कितना फायदा हो सकता है। हर अच्छी यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट कम से कम डबल हो सकता है विदाउट एनी लॉस इन क्वालिटी। कोई हम उसमें लेबोरेटरी को कम नहीं करेंगे, कोई प्रोजेक्ट को कम नहीं करेंगे, सिर्फ लेक्चर को मिक्स करेंगे, कुछ कॉन्टेक्ट से करेंगे, कुछ ऑनलाइन करेंगे, तो दुगना हो सकता है। तो एक एक जरा सा सोचिए, यदि हम अपनी टॉप के 500, हमारे पास लगभग 1000 यूनिवर्सिटी है इस समय, यदि हम टॉप की 100, 150, 200 भी ले ले और उनमें संख्या डबल हो जाए विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी, तो हमने कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया। इस तरफ हमें अब सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये संभव हो सकता है और हो रहा है। इससे क्या होगा, और भी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। यदि यूनिवर्सिटी में बच्चों को 3 दिन आना पड़ता है 5 दिन के बजाय, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने में कई 1000 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं, वो डबल यूटिलाइजेशन हो जाएगा।
तो इस तरह से बहुत हमें फायदा इसमें हो सकता है। दूसरी बात सर, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वायरस ने हमें ये भी सिखाया कि डिसरप्शन जो होती है उसको हम प्री प्लान नहीं कर सकते। हम बहुत ज्यादा पहले नहीं सोच सकते कि क्या डिसरप्शन होगा और मुझे उससे कैसे डील करना है। और डिसरप्शन का शायद मतलब ही ये है कि ये अकस्मात आती है और हमें अकस्मात तैयारी करनी पड़ती है। मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र हूं, मैं मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से 30-35 साल पहले एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती थी। उसके बाद 30-25 साल इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा क्योंकि इसकी कोई एप्लीकेशन नजर नहीं आ रही। लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में काम आ रही है, हर क्षेत्र में हमारी मदद कर रही है। इवन जिस ऐप की अभी मैंने बात की थी आरोग्य सेतु की, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है। हमारे आज जितने डेटा चार्ट्स आ रहे हैं, जितने प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। तो एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को हम यूज कर पाए। तो इसी तरह से ये जो डिसरप्टिव डिजीज आया है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, ये हमें कुछ बातों की तरफ मजबूर करता है। एक तो ये कि हम हमेशा रिएक्टिव होके काम नहीं कर सकते कि इवेंट होगा फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है, तो वो कई बार बहुत देर हो जाती है। तो हमें सर मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट ऑफ टाइम है माननीय राज्यपाल जी को के लिए। हाँ, तो मैं 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा यदि है। तो ये हमें ये शिक्षा देता है कि हमें बेसिक साइंस की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल्स की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े आदमी उसकी तरफ हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, हमारे यूनिवर्सिटीज उस तरफ काम कर सके। क्योंकि वायरस तो आज एक है कल दूसरा है, इसी तरह से टेक्नोलॉजी में आज कुछ है कल कुछ है, तो ये हमें इस तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी शिक्षा जो हमें इससे मिली है, जो हम इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करते थे, हमें नॉलेज और स्किल्स को मिला के और इंटरडिसिप्लिनरी चीजों की तरफ कैसे ध्यान देना। जैसे आज डॉक्टर्स यदि समस्या को अटेंड कर रहे हैं तो वो सिर्फ मेडिकल के नॉलेज के बेस पर इसको नहीं देख पा रहे, इसको सोशल एंगल से भी देखना पड़ेगा, कम्युनिटी के एंगल से भी देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक एंगल से भी देखना पड़ेगा जो वो देख रहे हैं। और कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन शायद इस देश में पुलिस ऑफिसर्स की, डॉक्टर्स की, कभी ये नहीं सोचा गया था कि ये इतना महान काम, इतना अच्छा काम और इतना सेल्फलेसली काम बाय एंड लार्ज होगा। ये पॉजिटिव इफेक्ट है कि हमें पॉजिटिव चीजों की पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स पहचान में आए हैं। इसी तरह से मैंने कई बार कहा कि जैसे हम पुलिस को यदि साइकोलॉजी में कुछ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा हमेशा ही उसका प्लस यूज होगा, बिकॉज ये वो ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना है। तो इस घड़ी में हमें ये भी समझ में आया है कि नॉलेज के दूसरे क्षेत्रों की तरफ किस तरह से ध्यान देना चाहिए जो हमें बाद में काम आएगा। और फाइनली मैं ये एक पॉइंट ये कहूंगा, भारत दुनिया में 2 विश्व युद्ध पहले हो चुके हैं, ये लगभग 3रा विश्व युद्ध ही है। दोनों विश्व युद्ध में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुए, जो रिसर्च विश्व युद्ध के दौरान या उसके इमीडिएटली बाद हुए, उससे समाज आज तक लाभान्वित हो रहा है। तो मैं ये देखता हूँ इस 3रे विश्व युद्ध में भी ऐसी रिसर्चेस सामने आएंगी, ऐसी एप्लीकेशन सामने आएंगी, ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आएंगी जिनका हमें बहुत लाभ होगा, बहुत लंबे समय तक लाभ होगा। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिवेंटिव चीजों पे पैसा खर्चा करना लॉस नहीं समझना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी। जैसे मुझे याद है जब मैं इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का कुलपति था तो एक पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाने की बात हो रही थी, तो मोस्टली लोग ब्यूरोक्रेसी से ये कह रहे थे कि इसमें खर्चा बहुत होगा, ये होगा। तो मैं यही कह रहा था कि कृपा करके कभी कभी ये भी सोचिए कि ये न बनाने से हमारा क्या खर्चा होता है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ हम सब लोग LIC कराते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी इसका उपयोग ना हो। तो प्रिवेंटिव चीजों पर भी हमें बजट एलोकेशन प्रॉपर करना पड़ेगा ताकि जब कुछ ही घटना आए हम उसके लिए तैयार हों। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं ऑर्गेनाइजर्स का मुझे इसमें सम्मिलित होने के लिए और माननीय महामहिम जी से एक बार रूबरू होने
फिर रूबरू होने से, और विश्वास करता हूं कि उनके दिशा निर्देश में हम बहुत आगे इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू के अग्रवाल साहब, आपके एक्सपीरियंस से जरूर हम लोग बहुत अच्छी नई बातें सीखेंगे। सर, मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमारे साथ दो एमिनेंट स्पीकर्स और हैं, डॉक्टर अमरेंद्र पानी जी जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं रिसर्च AIU से, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित गंभीर जो कि इनोवेशन डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, इनोवेशन सेल में। सर, मैं समय की कमी को देखते हुए माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें दिशा निर्देश दें, हमें बताएं कि हम कैसे इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं और क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल जी बताएं, हमें दिशा निर्देश दें। सर प्लीज। यशोचंद के अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी, श्री प्रशांत भल्ला जी, श्री मोहित गंभीर जी, श्री के अग्रवाल जी, डॉक्टर अमरेंद्र पानी जी, कुंवर शेखर ब्रजेंद्र जी, अन्य जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव, एसोचम ने मुझे कई बार आमंत्रित किया है। जब मैं केंद्र में MSV मंत्री था तो उस समय मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है एसोचम के प्लेटफॉर्म पर बोलने का, और आज जब मुझे जानकारी हुई कि एसोचम की तरफ से हायर एजुकेशन के बारे में आज की परिस्थिति में महामारी के दौरान जो असर है उस पर विचार व्यक्त करेंगे और क्या उसमें हायर एजुकेशन की दृष्टि से कुछ किया जा सकता है, बच्चों को किस तरीके से लाभान्वित किया जा सकता है, इसके बारे में विचार व्यक्त करने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। तो COVID-19 है, ये पूरे विश्व में महामारी के रूप में कार्य कर रहा है, सभी देश इसके लिए यत्नशील हैं इस महामारी को कैसे रोका जाए, लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ये आकलन कर लिया था कि अगर चीन में और भी यूरोप के देशों में ये कोविड का फैलाव हुआ है तो भारत में भी विकरालता आ सकती है, और इसलिए उसी समय इन्होंने उस दृष्टि से कुछ कदम उठाए जो बड़े महत्वपूर्ण रहे और आज विश्व में भी उसकी चर्चा है कि भारत ने पूर्व में ही आकलन करते हुए भारत में इसका प्रभाव ज्यादातर न पड़ने पाए उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस दृष्टि से उन्होंने कदम उठाया, इसकी आज पूरे विश्व में प्रशंसा भी हो रही है। लेकिन ये महामारी है, जैसे हमारे अग्रवाल साहब ने कहा कि ये तो तृतीय विश्व युद्ध का एक स्वरूप बन गया है, चौतरफा इसका असर है, और इसलिए इसके कारण दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है, क्षेत्र में विचार करने की आवश्यकता है कि उसके अंदर कौन सा विकल्प ला सकते हैं जिस विकल्प के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में हुई गिरावट को हम रोक सके। स्वाभाविक है कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र अगर समुचित तौर पर व्यवस्थित ढंग से चलाने की दृष्टि से आगे बढ़ाया गया तो निश्चित रूप से सारे असफलता को हम सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए हायर एजुकेशन के बारे में आज की परिस्थिति में जो आपने विचार करने का फैसला किया और उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे हायर एजुकेशन को इस COVID-19 से बचाया जा सकता है, इसके लिए जो आपने चर्चा का ये प्रावधान रखा मैं इसकी तारीफ करता हूं। हम इस वैश्विक काल में जिस प्रकोप से गुजर रहे हैं, इस प्रकोप का असर विश्व स्तर पर इस प्रकार उच्च शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ा है, उसके कुछ तथ्य आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। एक अनुमान के अनुसार विश्व स्तर पर सभी स्कूल एवं विश्वविद्यालय
बंद होने के कारण लगभग 1.5 बिलियन छात्र एवं युवा प्रभावित हुए। दूसरा, ये राष्ट्रवादी बंद दुनिया की 91% छात्र आबादी पर असर डाल रहे हैं। यूनेस्को स्कूल बंद होने के तत्काल प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से अधिक कमजोर और वंचित समुदायों के लिए तथा दूरस्थ शिक्षा की निरंतरता को सुविधाजनक बनाने के अपने प्रयासों में देशों का समर्थन कर रहा है। कोविड-19 ने उच्च शिक्षा को प्रसारित करने के तरीके में परिवर्तन किया है। नतीजतन विश्वविद्यालय तेजी से इस तरीके से बदल रहे हैं जिसमें वे छात्रों और शिक्षकों की विकसित जरूरतों को पूरा करने के लिए संवाद और संचालन में बदलाव लाया जा सके। संक्षेप में कहना उचित होगा कि हम असाधारण समय में जी रहे हैं। हमारे आसपास की दुनिया पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में मौलिक रूप से बदल गई है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना के प्रकोप में उच्च शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही विकल्प सभी को समझ में आ रहा है, ऑनलाइन शिक्षण। यही एक विकल्प दिखाई पड़ रहा है। राज्य में भी कोविड-19 के कारण हमारे लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानी या अकादमिक हानि नहीं हो यह महामारी के चलते विश्वविद्यालयों में शिक्षण प्रशिक्षण सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं किस प्रकार से आयोजित की जाए इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा एक 10 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स में 5 वर्तमान एवं 1 निवर्तमान कुलपति के साथ अनुभवी अधिकारी रखे गए हैं जो अपने लंबे शैक्षिक या प्रशासनिक अनुभव या गहन मंथन के द्वारा उस आपदा के कारण छात्रों को आने वाली परेशानी से दूर करने का सुझाव देगी। इस क्रम में मैं स्वयं समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी कुलपतियों से संवाद रखता हूं। यह मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि संयुक्त रूप में सभी शिक्षाविद कुलपति या ऐसे सभी शिक्षकों के सहयोग से जो आईटी के क्षेत्र में अच्छी समझ रखते हैं को साथ लेकर हम सफलतापूर्वक इस संकट से निकल जाएंगे। हमारा सारा ध्यान उस सामान्य विद्यार्थी पर है जो राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में है और उस आपदा के कारण शिक्षा से वंचित है। हमारे के अग्रवाल जी ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिया और ये भी कहा कि ये महामारी जरूर है, सभी लोग संकट ग्रस्त हैं, लेकिन उसके पश्चात भी एक अवसर भी है। हमारे हीरानंद धानी जी ने भी ये बात कही थी, एक तरह से अवसर भी है, इसका हम उस तरीके से लाभ उठाएं। और इसीलिए इसी को ध्यान में रखकर इस अवसर का लाभ उठाते हुए हमने इस बार का एक टास्क फोर्स बनाकर संपूर्णता में इंटीग्रेटेड तौर पर विचार करते हुए कैसे हम सभी छात्रों को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हों चाहे शहरी क्षेत्र में रहने वाले यूनिवर्सिटीज में हो महाविद्यालयों में, उनको हम लाभान्वित कर सकते हैं। प्रयास बात का है कि जो युवा छात्र लॉकडाउन के कारण घर से नहीं निकल पा रहे हैं उन्हें किस प्रकार शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त रखा जाए जिससे शिक्षा के साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ता रहे। साथियों से मिलने वाला ऑनलाइन कोर्स उन्हीं के शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया हो जिससे वह सामाजिक तौर पर दूर रहते हुए भी अपने शिक्षकों से कनेक्ट रहे। टास्क फोर्स प्रयासरत है कि वह किस प्रकार यह ऑनलाइन कोर्स को सबसे सरल या सस्ते माध्यम से दूरस्थ स्थान पर रह रहे छात्र छात्राओं तक पहुंचा सके जिनके पास लैपटॉप या अन्य सुविधा नहीं है। विश्वविद्यालय के स्तर से सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि इन उपलब्ध संसाधनों में विश्वविद्यालय कैसे छात्रों को बेस्ट सर्व करे, कैसे यह सुनिश्चित करे
कि उसका अकादमिक वर्ष खराब नहीं हो, जैसे विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों को यूजी एवं पीजी की परीक्षाओं के बाद नौकरियां दिलवाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। हमने 7 फर्ज को निर्देशित भी किया है, जो अभी हमने बात आपके सामने प्रस्तुत की है, इसको प्रभावी तौर पर लागू करें, क्योंकि इस महामारी के दौरान लॉकडाउन जो बना हुआ है, इसके कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी लोगों के मन के अंदर डिप्रेशन भी पैदा हुआ, ये आतंक जैसा लग रहा है, जबकि इसमें विल पावर अधिक बढ़े, आत्मविश्वास का सृजन हो और जो भी हमारा भविष्य का कार्य हो इसमें किसी प्रकार की इस गतिविधि में कमी ना होने पाए, यह भाव इसके अंदर बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इस दिशा में ऑनलाइन शिक्षण और अपने विषयों के प्रति पूरे तौर पर आत्मविश्वास का सृजन इस पद्धति के द्वारा होगा, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज इसको रखा जाए, जैसे कारण कोविड जैसे महामारी को भी हम मात दे सके। किस प्रकार हम इन लिमिटेड रिसोर्स को मोबिलाइज एवं रीअप्रोप्रिएट करके आईटी के आधुनिक संसाधन जुटा सकते हैं, साथ ही ऐसा और क्या बदलाव विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट में करे जिससे एक सामान्य छात्र को परीक्षा संबंधी या अन्य जानकारियां अधिकृत रूप से घर बैठे मिल जाए। क्या विश्वविद्यालय अपने एकेडमिक काउंसलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम में आगामी सत्र में ऐसे आवश्यक सुधार कर सकती है जिससे आने वाले कम समय में पाठ्यक्रम पूरा हो सके? इन सभी प्रश्नों का समुचित समाधान खोजने और उनको एड्रेस करने का समय है और शायद हर स्तर पर कुछ सीख कर आगे बढ़ने का अवसर भी है। कोविड-19 की आपदा एक लर्निंग अवसर के रूप में देखी जा सकती है, हमारे कुछ मित्रों ने इस संबंध में बात कही है, हमारे कुंवर शेखर साहब भी ने कहा है। मेरा मत है कि सिर्फ ऑनलाइन शिक्षण शुरू कर देने मात्र से ही समस्या खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि विश्वविद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे अनइंटरप्टेड पावर या इंटरनेट सप्लाई को कैसे जारी रख सकेंगे एवं छात्र छात्राओं को कम से कम खर्च में इंटरनेट डेटा उपलब्ध करवा सकेंगे। हमारे ये मोहित गंभीर साहब हैं, ये सारे इनोवेशन से संबंधित सारे विषयों पर करते हैं। ये अवसर है जिसमें कई प्रकार की इनोवेटिव आइडियाज भी छात्रों के अंतर्गत आ सकती है और उन आइडियाज को प्रायोगिक तौर पर लोग प्रस्तुत कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त हो सकता है, तो इसलिए मैंने कहा एक अवसर भी है और उस अवसर का निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए। समय है ये सोचने एवं तैयार रहने का कि किस प्रकार से वे आगामी सत्र में उन छात्र छात्राओं को एडमिशन दे पाएंगे जो अब तक या तो विदेश में पढ़ रहे थे या विदेश जाने की तैयारी में थे। साथ ही विश्वविद्यालय को उन सभी विद्यार्थियों को भी एडमिशन देना होगा जो इटली, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों से भारत आकर पढ़ना चाहेंगे। इस क्रम में मेरा यह सुझाव है कि यह वह समय है कि जब हम सब एकजुट होकर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर शैक्षणिक उत्थान के कार्य में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर आने वाली चुनौतियों का दृढ़ता एवं योजनाबद्ध तरीके से सामना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में अगर हम छात्रों को लगातार व्यस्त रखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस महामारी के दौरान भी उनको एहसास नहीं होने देंगे कि हम बड़े विकराल परिस्थिति में इस समय जी रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है ये सुझाव के अनुसार काम करने के कारण निश्चित रूप से एक जबरदस्त विल पावर का भी सृजन होगा और विल पावर आत्मविश्वास को जागृत करते हुए बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम राज्य में कोविड-19 द्वारा उत्पन्न हुई परिस्थितियों में फिर से शैक्षणिक माहौल बना पाएंगे जिसे राज्य का, देश का, विश्वविद्यालयों का छात्र लाभान्वित हो सकेगा। मेरे आपके माध्यम आपके इस मंच के माध्यम से मुझे कुछ जो लग रहा था लिखित तौर पर
हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है और जो सुझाव मुझे आवश्यक प्रतीत हो रहे थे आज की परिस्थिति में, आज के महामारी के परिस्थिति में भी इसको हम अवसर के रूप में कैसे बदल सकते हैं, उस तरह का सुझाव भी हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आपने मुझे अवसर दिया अपने विचार व्यक्त करने का, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी, आपने बिल्कुल सही दिशा निर्देश दिए कि आज के समय में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि हम कैसे शिक्षा को उस स्तर पर लेकर के जाएं जहां वो एक गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के छात्रों को भी सहज रूप से सुलभ हो। शिक्षा का मायना तभी है जब वो हमारे गरीब बच्चों तक भी पहुंचे। और दूसरी जगह हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी भारत देश से बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, हमारे लिए हमारे जो हायर एजुकेशन के जो संस्थान हैं उनके लिए अवसर है कि कैसे हम उन छात्रों को हमारे ही देश में रोकें और हमारे ही देश में उन्हें अच्छी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि वो इंडिया से बाहर जाकर के पढ़ने के बारे में ना सोच करके देश के ही संस्थानों में पढ़ें, जिससे देश के संस्थानों का भी विकास होगा। जहां तक गरीब बच्चों का सवाल है, मुझे लगता है कि दूरदर्शन के चैनल्स के माध्यम से जो कि फ्री अवेलेबल हैं सभी के लिए, और प्राइवेट चैनल्स के माध्यम से हमें एजुकेशन को गरीब घरों तक पहुंचाना चाहिए जहां बच्चे भी इसका लाभ उठाएं, बच्चों के साथ उनके जो अनपढ़ माता पिता हैं वहां तक ये शिक्षा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं इस बीच में हमारे एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी को आमंत्रित करूंगा, समय की कमी को देखते हुए कि वो हमारे इस वार्तालाप का निष्कर्ष समाप्त करें, बताएं और आपको धन्यवाद प्रेषित करें। डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय कलराज मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और मैं आपका आभारी हूं। जैसे कि नीरज जी ने अभी बताया, जिस तरह से आपने सरकार के जो इसमें स्टेप्स रहे, या जैसे आपने बताया कि गरीब बच्चों के लिए हमें किस तरह से सोचना चाहिए, और ऑनलाइन लर्निंग की जहां तक हम बात करें, मेरे ख्याल से शुरू से ही हमारे प्रेसिडेंट हीरन अंदानी जी ने भी जिक्र किया कि कैसे उनके अपने इंस्टीट्यूशंस और महाराष्ट्र के कुछ इंस्टीट्यूशंस उसमें नए नए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे भी शिक्षक संस्थान हैं, वहां करीबन 28,000 से ऊपर बच्चे, पहले भी ऑनलाइन शिक्षा एक पार्ट होता था। मतलब ये मैं एक कहूंगा कि AICT, UGC और गवर्नमेंट की एजेंसीज ने कुछ टाइम से MOOCs और स्वयं करके ऐसे कुछ पोर्टल्स और सपोर्ट मैकेनिज्म क्रिएट किया हुआ था, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस कुछ उस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। पहले शायद हम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट की तरह लेते थे कि भाई चलो एक टेक्नोलॉजी एक एनेबलिंग मीडियम है, बट अब मुझे लगता है कि वो एक ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। और जैसे कि बात की गई कि पूरे देश में अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं और शिक्षक संस्थान इस समस्या को जूझने के लिए हर लिहाज से आगे बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि हमारे इस सेक्टर में जो लोग हैं उनकी सोच समाज को आगे बढ़ा के ले जाने की है, एक कम्युनिटी के पूरे को इकट्ठा करके उनको हर तरीके से सपोर्ट करने की है। उसी सोच में हमारे जितने मेंबर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सब मिलके इस चीज में जुड़ के इकट्ठे काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे एक ये भयंकर एक परेशानी शायद हमने अपनी लाइफ टाइम में देखी है, शायद सबने ही देखी है, और किसी ने इसको World War III का भी स्वरूप बताया, मुझे लगता है कि इस चैलेंज से निपटने के लिए सबको मिलके ही कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और सबके एक सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, सब अच्छा काम करना चाह रहे हैं, बट एक दो चीजें जो मैं समझता हूँ जिसपे कि थोड़ी सी एडिशनल हमें एक सोच लानी पड़ेगी। जहां तक रोल है रेगुलेटर्स का बहुत एनेबलिंग रोल आ रहा है, बहुत सपोर्टिंग रोल आ रहा है, बट कुछ जगह पे जैसे हम फाइनेंसिंग की बात करें कि जो हम शिक्षा है एक फीस से ड्रिवन है, और स्पेसिफिकली मैं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है, और सब समझते हैं कि आज की डेट में एक चैलेंजिंग टाइम्स हैं जिसमें कि बच्चों को पेरेंट्स को भी परेशानी है, बट जो अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर अपने में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और 70% से ऊपर जो हमारे जो खर्चा है वो करीबन ह्यूमन रिसोर्स में जाता है।
तो वो एक परेशानी को समझते हुए हमें कहीं सरकार को ये चाहिए कि जो सपोर्ट दे सके, जैसे आज बच्चों के हम एडमिशंस की बात करें, सारा प्रोसेस अगर रुक गया है और आगे का एक सस्टेनेंस का मॉडल रुक गया है, हम अगर कोई कोशिश करके कुछ ऐसे सब्सिडीज या कोई स्कीम्स निकाल सके जिससे कि हम इसको सपोर्ट दे सके, चाहे हम इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स दे सकते हैं, इंटरेस्ट वेवर्स की हम बात कर सकते हैं शिक्षक इंस्टीट्यूशंस के लिए, कुछ सपोर्ट आया है बट एजुकेशन सेक्टर में स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट डिफरेंट है क्योंकि ये समाज के हर वर्ग को इसका इम्पैक्ट है। स्कूल्स में भी हम सुन रहे हैं कि उनकी बच्चों की परेशानी है, फीस को लेके प्रॉब्लम है, लेकिन स्कूल्स की अपनी परेशानी है, तो स्कूल्स की, पेरेंट्स की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सबकी परेशानियों को जोड़ के अगर हम कुछ काम कर सकें या सरकार ऐसे कोई दिशा निर्देश हमें दे सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बात जो मुझे लगता है कि हमें दिख रहा है कि ये टाइम कठिन है, लेकिन ये टाइम खत्म होगा कभी ना कभी, हमें शायद दोबारा इस चीज को शुरू भी करना है। तो सबसे पहले तो हमारा जो फोकस है या हमारी नीड है एकेडमिक डिलीवरी की है, जिसकी कॉन्टिन्यूटी को हम मेंटेन कर रहे हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी तरफ से जो जिससे बन पा रहा है कर रहा है, सरकार सपोर्ट कर रही है, हमने अभी एजुकेशन चैनल्स की बात सुनी, टाटा स्काई और बाकी सारे सैटेलाइट के मीडियम के थ्रू भी कंटेंट को डिलीवर किया जा रहा है, जितना सपोर्ट जिससे पॉसिबल हो रहा है सब उसको कॉन्टिन्यूटी के लिए दे रहे हैं। बट अगर हमें दोबारा शिक्षक संस्थान जब खोलने हैं, जिस भी टाइम हमें दिखता है कि शायद वो समय आएगा, हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आए, तो हमें शायद कुछ प्रोटोकॉल्स भी बनाने चाहिए, कुछ स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि हम कैसे शिक्षक संस्थानों को दोबारा रीओपन करें, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नंबर्स का और कई ऐसे एरियाज हैं, चाहे कैफेटेरियाज हैं चाहे क्लासेज हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, हाइजीन के सबसे मेजर प्रॉब्लम रहेंगे। इवन इंटरनेशनल अगर हम बात करें, एक अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे यहाँ से जो बाहर पढ़ रहे थे या जो बच्चे शायद यहाँ पे आना भी चाहे, बट उनके स्क्रीनिंग के प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा मिलजुल के एक ऐसी सोच बनानी चाहिए कि कैसे आने वाले इस कठिन समय में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारे मिल के समाज के हर वर्ग को साथ लेके उनकी परेशानियों को समझते हुए कोई सोल्यूशन निकाले, और रेगुलेटर्स भी और सरकार भी अगर कुछ हमें इसमें सपोर्ट दे, जो कि मुझे लगता है कि इस सेक्टर में सबसे बड़ा एक सपोर्ट की नीड आएगी, क्योंकि इसकी पूरी डिपेंडेंस फीस पे है और आज हमारे जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वो बन गई है, तो हमें वो सपोर्ट देना पड़ेगा। और इस सिलसिले में मेरे ख्याल से हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ रिप्रेजेंटेशंस भी देनी पड़ेंगे, वो हम एसोचैम के बिहाफ पे कुछ बिल्ड कर रहे हैं। और मैं आदरणीय मिश्रा जी को कहना चाहूंगा कि हमारी तरफ से भी जो सजेशंस हैं हम आपको भेजेंगे, अगर आप वो बात हमारी सरकार तक पहुंचा सकें। हमारे प्रेसिडेंट हिरन अंदानी जी खुद एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और पहले भी हम कई ऐसी बातें एजुकेशन की जो नए प्रयोग या नई सोच हम बताते आए हैं, और सरकार ने हमेशा उस पर एक बहुत पॉजिटिव व्यू लिया है। और मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कई हमारे पैनलिस्ट यहाँ पे आए, मोहित गंभीर जी अभी रहेंगे और आपकी हम बात सुनेंगे, मिस्टर पानी जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से हैं, के अग्रवाल जी की हमने बात सुनी, वो अपने में बहुत पुराने एक अच्छे नॉन एकेडमिशियन रहे और उनके उनका एक्सपीरियंस हमें मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ये एक शुरुआत हुई है, हम इसी तरीके से कोई और विषयों पे भी अपने वेबिनार रखते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है हमारे मेंबर से और जो जो लोग इसको सुन रहे हैं, आगे भी वो हमें सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी, धन्यवाद प्रशांत जी। निरंजन सर, मैं चाहूंगा कि आप अगर दो शब्द कहें इसके पहले कि राज्यपाल साहब। हाँ जी निरंजन सर, सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। निरंजन सर आप अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब। हम एक ही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी लर्निंग होगी आपके द्वारा हम सरकार को भेज दें और उसको हम साथ में लें, तो एजुकेशन को एक नए लेवल पर हम ले जाएं आपके आशीर्वाद के साथ। धन्यवाद। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप जरूर भेजें सर, और मैं ये भी चाहता हूं समय समय पर मुझे उस बात का सुझाव भी देते रहें। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देते रहे और समय समय पर मुझे सुझाव भी देते रहे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। चल धन्यवाद सर।
मैं अब आमंत्रित करूंगा मोहित गंभीर जी को कि मोहित गंभीर जी अपनी बात रखें और बताएं कि कैसे एमएचआरडी इस बारे में कुछ इनोवेशन कर रही है। राज्यपाल साहब का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया, हमारे निरंजन सर, प्रशांत जी, कुमार शेखर, विजेंद्र जी, अमरेंद्र जी, सभी का, और जो हमें सुनने वाले हैं देश भर से जितने लोग जुड़े हैं सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत सारी चीजें हैं, सभी ने इतनी ज्ञानवर्धक बातें कही कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे बीच चल रहा है, एक आपदा ऐसी है जो कि आई है, पर मैं हमेशा से ये मानता हूं कि जितनी भी ये आपदाएं हैं जो भी आती हैं कुछ ना कुछ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है। 2001 की हम बात करें, 2001 में रिसेशन आया था तो कुछ नई चीजें निकली, 2008 में रिसेशन आया फिर कुछ से नई चीजें निकली जिनके उदाहरण हमारे पास व्हाट्सएप, उबर, ओयो, ये इस तरीके के स्लैक जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है शायद वो डाउनफॉल की ही उपज है। हम बात करें कोविड की या इस त्रासदा की, शायद ये अपने आप में एक पहला ऐसा उदाहरण हुआ हमारे जीवन काल में जो कि हमें आने वाली आपदाओं के लिए शायद तैयार कर दे। हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की और ये सारी चीजें जो चल रही थी, मैं जानता हूं इवन जैसे प्रशांत जी है काफी क्लोज कनेक्ट रहते हैं, हम एक ही शहर में रहते हैं, तो मैंने देखा है कि काफी जिस हिसाब से विश्वविद्यालय तरक्की कर रहा है या ऑनलाइन एजुकेशन जुड़ी है, तो जैसे प्रशांत जी ने भी कहा था कि इससे पहले हम एक सपोर्ट मैकेनिज्म या एक जरूरत के तौर पे नहीं लेते थे, वी वर टेकिंग इट एज कि हाँ एक अनेबलर है, एक मैकेनिज्म है ऑनलाइन एजुकेशन, पर शायद इस त्रासदी ने हमें ये बताया कि ज्यादातर नहीं तो हमारे पास एक बैकअप मैकेनिज्म के तौर पे भी और या फिर फुल टाइम मैकेनिज्म के तौर पे भी ऑनलाइन एजुकेशन मौजूद रहनी चाहिए। चैलेंज हाँ बहुत ज्यादा है ऐसे करिकुलम, ऐसे विषयों के लिए जिनमें हमें लैब वर्क की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी रहती है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, जहां बच्चों को जाके हैंड्स ऑन काम करना पड़ता है। दूसरा चैलेंज हमारे पास जैसे आजकल हम AICTE MHRD में देख रहे हैं इंटर्नशिप्स का एक काफी कुछ चल रहा है कि कैसे होगा, तो उसको बहुत आपने पढ़ा भी होगा कि हाल फिलहाल में एक डिसीजन लिया गया कि इंटर्नशिप्स को दिसंबर 20 तक एक्सटेंड किया गया, काफी कुछ ऑनलाइन मोड से हम टेकअप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे कोर्सेज भी नए नए उभर के आए, पर मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूँ इससे पहले मैं ये बताऊं कि हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फ्रॉम AICTE एंड MHRD। सभी आमजन जितने हजारों लोग संख्या में सुन रहे हैं कि देखिए ये समय एक ऐसा है जैसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, तो आम जीवन काल में लगभग 3,000-3,500 हफ्ते होते हैं अगर आप देखें एक आम मनुष्य जीवन में, और उस 3,500-4,000 हफ्तों में 4,000 हफ्ते एक क्वालिटी के ऐसे मिल रहे हैं जो आप अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं, तो उसको बड़े एमिकेबली एक ऑनलाइन का मैं डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, जितने हमारे लोग हैं मैं भी उनमें शामिल हूँ, तो सब ये बोलते हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स जो है 8 घंटे से बढ़ के 15-16 घंटे हो गए क्योंकि एडहॉक वर्किंग हो गई है, और मेरे ख्याल से सभी इस चीज से राजी भी रहेंगे। तो थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी अपनी मोडालिटीज, जो जो चीजें हम उसको फिक्स करें, ये एक ऐसा चैलेंज है जो हम तैयार नहीं थे इसलिए हमने फिक्स नहीं करी, और आज भी अगर आप देखेंगे तो 9 बजे का अगर हमें तैयारी होती है तो हम 11 बजे तक ऑनलाइन बैठते हैं, तो हम उस समय को भी चैलेंज कर पाएंगे तो शायद ऑनलाइन एंड फिजिकल मोड दोनों को बहुत अच्छे से हम आउटकम दोनों का निकाल पाएंगे। रही बात कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो हमने किए अपने AICTE के एंड से, जो हमारी काफी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है, देश की रेगुलेटर है, हमने एक AICTE की अटल एकेडमी नाम से संस्था है, एक डिवीजन है जिसमें हमने काफी कुछ नए नए प्रयोग शुरू किए हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे, पहले उसका हमारा विचार था कि भाई हम फिजिकल मोड में शुरू करेंगे, और मैं रोहित जी से रिक्वेस्ट करूंगा, स्लाइड्स हैं चला दीजिएगा तो सभी शायद देख पाएंगे जी, मैंने लिंक्स भी कोशिश की है साथ साथ में दे पाऊं, बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि हम पहले फिजिकल मोड में सोच रहे थे जो कि अब ऑनलाइन अवेलेबल हुए, 200 संस्थान ऐसे हैं जो कि ये कोर्सेज करा रहे हैं देश भर की फैकल्टीज के लिए, काफी लोग इससे जुड़े हैं। दूसरा जैसे हमारी एक और चिंता का विषय था कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में या फिर Tier 3, Tier 4 टाउन के जो स्टूडेंट्स हैं कि उनको एजुकेशन या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के थ्रू कैसे अटैच करके जोड़ के अपने साथ चला सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज जो ऑनलाइन होते हैं इससे पहले भी चलते थे बट महंगे,
तो एक हमने नई स्कीम निकाली नीट के नाम से, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसका लिंक भी मैंने दिया है, आप सब जाके देखिएगा। इसमें पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है और इसकी बेसिक जो संपदा या इसका रूपांतर है वो यही है कि 25% जो इसकी सीट्स हैं वो टीयर 3 टीयर 4 के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क प्रोवाइड किए जाएंगे कोर्सेस, या फिर बहुत सारे कोर्सेज कम फीस में उनको दी जाएंगी वाउचर के तौर पे। ज्यादातर यहाँ फ्री नहीं है, निशुल्क नहीं है, इसीलिए इस चीज को और समझते हुए, क्योंकि नीट हमारा प्रोग्राम सितंबर में शुरू हो चुका था, इमीडिएटली हमने फिर बहुत सारी एड्यूटेक कंपनी से रिक्वेस्ट करी कि वो साथ में आए, हाथ जोड़े और क्या क्या हम कर सकते हैं। उसका आयाम हमारे पास निकला एलिस के नाम से। आप देखेंगे तो एक और नीचे लिंक है, एनहांसमेंट इन लर्निंग विद इंप्रूवमेंट इन स्किल्स। 18 कंपनीज जो एडिटेक स्पेस में है, टॉप शॉट कंपनीज है इंटरनेशनल के साथ साथ नेशनल, इन कंपनीज ने डिसाइड किया, बहुत कोर्सेज हमारे इस पोर्टल पे फ्री में दिए गए। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड सारे के सारे कोर्सेज निःशुल्क हैं, एक रुपया भी चार्ज नहीं है। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी फीस 5,000 से 20,000 रुपए तक भी है और कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट की गई तो वो इस चीज पे भी राजी हुए कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड अगर कोई छात्र इस पे रजिस्टर करता है वो रजिस्टर रहेगा, उससे लॉकडाउन के बाद भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो दैट इज अगेन अ वेरी कमेंडेबल थिंग जो हमें प्रशंसनीय है, जो एडुटेक कंपनीज ने इस आपदा के समय में हाथ जोड़ के प्रोवाइड कराई। फिर रही बात, राज्यपाल साहब बता रहे थे कि इनोवेशन और इंडस्ट्री इस चीज के लिए हमें जुड़ना चाहिए, हाथ से हाथ भी मिलाने चाहिए। तो AICT MHRD ने फिर से एक ऐसी, क्योंकि हम मानव संसाधन, सबसे बड़ा मानव संसाधन है जिसको हम चैनलाइज करते हैं देश का, हायर एजुकेशन में हो या बाकी और जगह पे हो, तो 21 मार्च को ही हमने कंसीव किया एक आइडियाथन के नाम से, और वो बहुत शुरुआती तौर पे था, मेरे ख्याल से लॉकडाउन उस समय अनाउंस भी नहीं हुआ था। 21 को अनाउंस करके हमने 27, 28, 29 तीन दिन एक आइडियाथन का प्रारूप 21 को तैयार किया, 24 को अनाउंस किया, 27 से 29 में किया। आप सभी को जानकर एक हैरानी भी और साथ में खुशी भी होगी कि देश भर से 5,500 से ज्यादा एंट्रीज आई, सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन मोड पे था, बच्चों ने, एजुकेटर्स ने, इवन स्टार्टअप्स ने इस पे काम किया तीन दिन लगातार। और आउटकम के तौर पे, जनरली हमारे जो प्रोग्राम्स ज्यादातर रहते हैं, हम आउटकम की भी बात करते हैं आजकल, जो हमारा पहले फ्लोर रहता था, तो अब आउटकम में एक और बहुत प्रशंसनीय बात है कि जो टॉप हमारा विनर था उसको ना सिर्फ इंडिया में, बकायदा इंटरनेशनल, इवन नीदरलैंड की एक एजेंसी ने भी कॉन्टेक्ट किया कि क्या आप ऐसे एम्ब्यू बैग या ऐसी वेंटिलेटर सपोर्ट मैकेनिज्म हमारे साथ मिलकर और अच्छा बना सकते हैं, राइट? तो दीज आर ऑल स्टार्टअप्स कमिंग आउट फ्रॉम कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, उनको बिजी आउट करना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, हम इससे आगे गए, एक और हमारे पास ऑनगोइंग इवेंट चल रहा है, तो हमारे मंत्री जी निशंक साहब, बहुत उन्होंने प्रशंसा भी करी हमारे आइडियाथन की, तो इमीडिएटली हमने उनसे प्रेरणा लेते हुए समाधान नाम का एक और इनिशिएटिव AICT से लॉन्च किया और इसकी क्लोजिंग रात को ही हुई है। और आप सबको फिर से जानकर बहुत हैरानी भी होगी, 10,000 से ज्यादा प्रविष्टियां, सारी की सारी ऑनलाइन मोड, हर कोई अपने अपने घर से काम कर रहा है। डिजाइन सिमुलेशन, ऐसे टूल्स जो बच्चों ने कभी सीखे नहीं थे वो इन 7 से 10 दिनों में सीखे, और हमने उनको 200 से ज्यादा मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया। स्लैक चैनल्स के थ्रू हम काम कर रहे हैं और रियल टाइम, अगर अभी भी आप लोग जाके, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पूरे, जो लोग आज हमें सुन रहे हैं और नहीं किया तो भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी हजारों की तादाद में वीडियोज अपलोड हुए कि क्या क्या डिजाइन और आइडियाज उन्होंने अपलोड किए हैं या शॉर्ट हमें सबमिट किए हैं। और मैंने एक और चीज इसका आयाम रखा था कि ओपन इनोवेशन हो, कोई भी उसे देख सके, तो क्राउड सोर्सिंग वोटिंग कराई हमने कि लोगों को जितनी पसंद आएगी हम उसको आगे शॉर्टलिस्ट करके जाएंगे, तो आम जनता को भी पता लगे कि हमारे बच्चे और हमारे एडुकेटर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स इस समय में भी कैसे अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं और कैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं। फिर खास तौर से एक और हमारा इनिशिएटिव आता है जो कि निटर चेन्नई ने तैयार किया, दैट इज NITTT की एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखेंगे टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो कि लॉन्च किए गए, जिसमें दिए गए। और मैं यहाँ पे दोबारा एक और चीज बताना चाहूंगा, जो अटल अकेडमीज की मैंने बात शुरू की थी उसमें हमने कई सारे थ्रस्ट एरियाज भी रखे, और थ्रस्ट एरियाज आप जान के फिर से बहुत लोगों को प्रसन्नता भी होगी कि AI, IoT, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इवन डेटा साइंसेज से लेके स्कल्पचर,
एनिमेशन, इवेंट मैनेजमेंट, ड्रामेटिक्स, विजुअल आर्ट्स, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको वहां पे मिलेंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें हमने कोशिश करी इकट्ठा करें और लेकर आए, जिससे हमारे विद्यार्थीगण, ना सिर्फ विद्यार्थी, एडुकेटर्स और इवन रिसर्चर्स ओपन सोर्स मॉडल के तहत उनको पढ़ पाए। फिर हमारा एक और आयाम हमने निकाला, उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड्स। ये विश्वकर्मा अवार्ड्स हम हर बार देते हैं, बहुत जिन जो एजुकेशन के क्षेत्र में हैं सबको जानकारी भी होगी। हमने इस बार उत्कृष्ट संस्थान जो है उसका टॉपिक दिया, थीम दिया इंडिया फाइट्स कोरोना, कि ऐसे संस्थान जिनके यहाँ पे बच्चों ने, एडुकेटर्स ने या किसी स्टार्टअप्स ने इस आपदा से मिलती हुई या इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी इनोवेशन की है, उनके लिए एंट्रीज ओपन है। 30 अप्रैल हमारी लास्ट डेट है, तो जितने भी हमें लोग सुन रहे हैं आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इंक्यूबेशन के थ्रू कहीं कहीं ना कहीं हमारी कितने भी मैकेनिज्म है हम उनको आगे बढ़ाएं। और फिर आखिर में एक और बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि हमारे एआईसीटी चेयरमैन साहब ने इनिशिएटिव लिया, हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने और एमएस साहब ने मिलके, helpline.aict.india.org। इसका एजुकेशन एज इन कोर्सेज से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक ऐसी वेबसाइट शुरू की गई, हमने नोटिस किया कि कई बच्चे ऐसे थे हमारे जो इस आपदा में कोई हॉस्टल में रह गया है, कहीं कोई और किसी क्षेत्र में अटक गया है, जिनको कहीं परेशानी है, तो वो यहाँ पे, दिस इज अ मैच मेकिंग बिटवीन अ फैसिलिटेटर एंड अ गिवर। पहले दो दिनों में, अगेन सरप्राइजिंग है, 16,700 एनजीओज एंड सर्विस प्रोवाइडर्स लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, और हमने पहले हफ्ते के अंदर 2816 बच्चे ऐसे थे जिनकी जरूरतों को सिर्फ इस साइट के माध्यम से पूरा कर दिया लॉन्च करने के बाद। तो बहुत कुछ बहुत क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी, यानी कि हम सब सीख रहे हैं, हम सारे उस दौर में हैं कि अनफोर्सिंग चैलेंजेस हमारे पास आए थे, बट आई बिलीव हमने उसको स्ट्रक्चर्ड करने के लिए तैयारियां कर ली हैं, और अगली बार कुछ, भगवान ना करे ऐसा हो और ऐसी कोई चीज हमारे पे आपदा ना आए, लेकिन फिर भी द टोटल ब्लेंडिंग विच वी हैव मेड, आई बिलीव ऑनलाइन एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इनकी एक ब्लेंड करके आगे बढ़ने की जो हमारी टेंडेंसी अभी बन रही है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए। कहाँ कहाँ हम ऑनलाइन मैकेनिज्म्स के थ्रू दे पाए और कैसे उस चीज को हम हार्नेस कर पाए, चैनलाइज कर पाए। यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि एक अच्छा कोर्स करिकुलम, एक अच्छा माध्यम हम बना पाए, जहाँ पे पहले 60-70-100 एक क्लासरूम में विद्यार्थी आ सकते थे, आज हजारों विद्यार्थी हैं जिनको आप चैनलाइज कर सकते हैं अपने को अच्छे कोर्स मटेरियल के थ्रू। तो अंत में सिर्फ यही, सभी का हार्दिक धन्यवाद आने के लिए, सुनने के लिए, एंड एक साथ हमें मिलके हाथ जोड़ के वर्चुअली आई जनरली से जॉइन हैंड्स, बट वर्चुअली वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मेस एंड मेक अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस टुमारो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू मोहित जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत टेक्निकल और वाकई बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है। एआईसीटी इतने काम हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहा है, और इस मंच के माध्यम से आपने ये जो शेयर किया है, ये जानकारी डेफिनेटली हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए यूजफुल रहेगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम को जब से शुरू हुआ है और अब तक करीब 800 से ऊपर कैंडिडेट्स लगातार देख रहे हैं, तो आपकी जो जानकारी है ये इस मंच के माध्यम से जरूर उन तक पहुंचेगी और लोग इसका लाभ उठाएंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अमरेंद्र पानी जी को। डॉक्टर अमरेंद्र पानी जी जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, क्योंकि ये करीब 800 से 900 भारतीय यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करता है, उनकी समस्याओं को और उनको हेल्प देने का काम करता है। डॉक्टर अमरेंद्र पानी जी के पास काफ़ी लंबा तजुर्बा है, और हम उनके तजुर्बे से जानना चाहेंगे कि सर कैसे हमारी जो भारतीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो औद्योगिक जो हमारे एजुकेशन संस्थान हैं, ये कैसे कितना इफेक्ट हुए हैं, और अब इनकी क्या मॉडल्स ऑपरेंडी है, क्या तरीका है कि ये लोग कैसे अब इस महामारी से निपटेंगे, और कैसे हमारे स्टूडेंट्स को सुचारू रूप से उच्च शिक्षा मिलती रहेगी। अमरेंद्र पानी जी। थैंक्स नीरज जी फॉर ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल जी की धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमें एक प्रोसेस मार्गदर्शन किया, एंड रेस्पेक्टेड अग्रवाल सर भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिए, थैंक यू सर। एंड बाकी मई को पैनलिस्ट विजेंद्र कुंवर साहब, प्रशांत वाला जी, मोहित गंभीर जी और जितने भी ऑडियंस हैं सबको नमस्कार। और मेरा इसी बात में ये कहना है कि देखिए, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी वेरी क्रिटिकल जंक्चर।
और मेरा ये भी साथ में मानना है जो बात अग्रवाल सर ने बताया कि एवरी डिफिकल्ट टाइम्स इन लाइफ ब्रिंग सर्टन अपॉर्चुनिटीज बट वी नीड टू सी दैट अपॉर्चुनिटी एंड फाइंड इट आउट एंड एड्रेस देम एंड यूटिलाइज इट इन आवर एडवांटेज. और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि दिस कोरोना क्राइसिस हैज पुश्ड अस इनटू अ कंपल्शन. दिस हैज गिवन अस एन एडिशनल दिस हैज प्लेस्ड एन एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑन अस. और हमारी तरह से वी आर नाउ हैविंग डुअल चैलेंजेस. एक तो सेंसिटाइजिंग आवर एकेडमिक पीपल एकेडमिक फ्रेटर्निटी एंड अदर ऑल्सो सिविल सिविक लाइफ के जो लोग हैं उनको हमें सेंसिटाइज करने की सरकार कर रहे हैं, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरा ये है कि हमें अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है नॉर्मल बिजनेस है जिसको अभी हम फिजिकल क्लासरूम में या फिजिकल कैंपस में नहीं कर पा रहे हैं उसको कैसे कंटिन्यू करेंगे. ये ड्यूअल चैलेंज हमारे पास है और ये एग्जैगरेशन नहीं है, दिस इज ए रियलिटी. और इसमें एक लिटमस टेस्ट है हमारे लिए. पिछली 2 से 3 दशक से ये बात को अग्रवाल सर ने रेफरेंस बहुत अच्छी तरह से दिए हैं कि हमने 2-3 दशकों से वी हैव बीन बोस्टिंग आवर सेल्फ दैट वी हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकली, हमने ये किया वो किया, बहुत कुछ हम किए भी हैं, ये बात सच है. और दिस इज नाउ पुटिंग ए लिटमस टेस्ट टू टेस्ट आवर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या टेक्नोलॉजी हमें कैन इट रेस्क्यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडवर्सिटी एंड क्राइसिस. Can it save our life? Can it support us to advance our activities in such kind of conditions? और इसमें ये कहते हुए मुझे एक reference आपको मैं देना चाहूँगा. कुछ साल पहले हमारी भारत की सरकार ने एक NMEICT एक scheme introduce किया था, National Mission for Education through Information and Communication Technology. उसकी जो major objective था कि हमारी सारी education संस्थाओं को आईसीटी के थ्रू कनेक्टिविटी देना, जोड़ना, ताकि एक दूसरे की रिसर्च ट्रेनिंग एजुकेशन से हम एक दूसरे से बेनिफिट ले सकते हैं और ग्रेजुअली वी शिफ्ट इनटू द टेक्नोलॉजिकल मोड. अब आज ये जो क्राइसिस हमारे सामने आया ये अचानक हमें एक ऐसी स्थिति पैदा कर दिया कि हम न चाहते हुए भी नाउ वी विल स्विच ओवर टू द डिजिटल सिस्टम, अदरवाइज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है. अब उसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि देशव्यापी इट विल हेराल्ड ए सेट ऑफ रिवॉल्यूशन. जिन लोगों का माइंडसेट नहीं था डिजिटल सिस्टम को आने के लिए, ऑनलाइन मोड को अडॉप्ट करने के लिए, अब वो भी इसमें आने के लिए अभी बाध्य होंगे. एक ये अपॉर्चुनिटी है. दूसरा एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, जो नॉलेज ट्रेनिंग इसकी जो इट इज पेविंग ए न्यू वे फॉर अस. हमें कोलैबोरेशन नेटवर्किंग अब डिजिटल मोड में आने के लिए हमें आसान होगा. अच्छा, इसमें हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. मेनी ऑफ आवर स्पीकर्स दे हैव रियली थ्रू गुड लाइट ऑन ऑल दोज पॉइंट्स, बहुत सारी बिंदुओं पे चर्चा हुआ है. मैं कुछ चीजें जो आपके सामने रखना चाहूंगा कि पहले हमारी जो अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास जो चैलेंजेस है, देखिए देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट हम लोग 130 एंड मोर क्रोर्स की जो जनता है, हम आशावादी जनता है, हम एक अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री अपॉर्चुनिस्टिक एंड आशावादी कंट्री है, ऑप्टिमिस्टिक कंट्री है क्या. लेकिन मेरे सवाल ये है, क्या हमारी सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटीज रेडी हैं इस समय में फुली डिजिटल मोड को. मैं ये 6th वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ और हर वेबिनार में कंसिस्टेंटली ये कुछ बिंदु मैंने उठाया हूँ, उसमें चर्चा होनी चाहिए, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स इसमें सोच विचार करना चाहिए. पहला बात ये है कि क्या हम हमारी विश्वविद्यालय हमारी बाकी एजुकेशन शैक्षणिक संस्थाएं रेडी हैं फुली कि हम डिजिटल मोड में आ सकते हैं. दूसरा कि क्या हमारे सिस्टम वेल इक्विप्ड है उसके लिए, हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है. तीसरा क्या हमारी सरकार की जो पॉलिसीज हैं आर दे वेल प्लेस्ड टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी. और द लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सी देश में 800 यूनिवर्सिटी हमारी मेंबर हैं और एवरी ईयर more than 20-25 programs I do organize and keep on moving central university, state university, all kind of universities. जहाँ तक मेरी छोटी सी नॉलेज है मैं बता रहा हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है, इवन मेनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. इसमें मुझे अगेन आई विल रेफर टू द डिस्कशन ऑफ अग्रवाल सर जो ब्लेंडेड लर्निंग की बात कर रहे थे कि हमें कम्प्लीटली स्विच ओवर करने की ये प्रोबेबली इट विल बी वेरी अर्ली स्टेज एंड वेरी प्री मेच्योर स्टेज. हाँ, इस बात की मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ कि हमें ब्लेंडेड लर्निंग मोड में आना है.
ये एक कॉन्सेप्ट फ्लिप क्लासरूम की कॉन्सेप्ट भी इसमें होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि पहले वी डिजाइन आवर कोर्स स्ट्रक्चर, वी ऑर्गेनाइज आवर कंटेंट, हम उसमें हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं और बाद में फिर जब उनको उसमें पहले थोड़ा तैयारी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या आइडियाज हम ट्रांसफर करने जाते हैं चाहते हैं, तो नेक्स्ट वन और टू डेज के अगला दिन जब हम फिजिकल क्लासरूम में मीट करते हैं तो हम उसको प्रॉपरली उसको डिस्कोर्स और डिलीवरेशन हो जाती है। सो इस किस्म की स्ट्रैटेजी में हमें उतरने की आवश्यकता है और हमें शुरुआत करनी है, ये बात सच है। और दूसरा होता क्या है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हमारे देश की बहुत सारी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल बाहर कंट्री को चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं है। हमें ये सुविधा इसी के हिसाब से हमें क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। साथ में कि हमारी एक बहुत बड़ा जो मेन मेजर पॉइंट जो मेरे दिमाग के समय में आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, एक एक्सेस इक्विटी की बात, हम थ्री ईज के बारे में हम बात करते हैं। ये 11th प्लानिंग कन्वेंशन की जो हमारी बनी थी जो 5-year प्लान रिपोर्ट, उसमें हमने एक्सेस एंड इक्विटी की बात करते थे। आइए हम इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचते हैं कि जब हम फिजिकल मोड में एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में भी हम एक्सेस देने में अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं, डिजिटल सिस्टम में जो डिजिटल डिवाइड है इसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास डेफिनेटली कुछ समस्याएं, कुछ मुश्किलें आएगी, क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूलों में है, मनाली में है और कई इस तरह से जगह है जहां कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। ठीक है, एक तरह से ये है। दूसरा, ये जो एक्सेस हम कैसे इसको वाइड करें उस पर हमें सोचने की जरूरत है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी जो बात मैंने कहा था इससे पहले कि जो स्टूडेंट्स हमारा बड़ी ज्यादा तादाद में इंटरनेशनल लेवल को चले जाते हैं, वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कुछ क्वालिटी की कमी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कुछ सुविधाएं की कमी सच एज लैबोरेटरी एंड सो मेनी थिंग्स, उससे हमें एड्रेस करने की जरूरत है। और आई एम श्योर कि इसी बहाने में कम से कम हम अपने आप को एक मजबूती की ढंग से हम तैयार करेंगे ताकि इन सब चैलेंजेस को हम मीट आउट कर पाए। और डेफिनेटली हमारे लिए स्टूडेंट असेसमेंट, सी टीचिंग डिलीवरिंग, मैंने अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर शायद अग्रवाल सर को ये बात पता भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूके में दैट इज कॉल्ड कास्पीर क्वालिटी एश्योरेंस और समथिंग आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, उसमें उनके साथ उनके प्रपोजल एक आया, शुरुआती वेबिनार हम उन्हीं के साथ किए थे, एआई ने एक नॉलेज पार्टनर के हिसाब से हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया, वो था कि ऑल वी वांट टू नो अबाउट हाउ टू ट्रांजेक्ट द करिकुलम थ्रू ऑनलाइन। और इसमें वी वर सरप्राइज कि जब हमने पहला उनके साथ कोलैबोरेशन में वेबसाइट में लेटर पोस्ट किया, हमारी मेंबर यूनिवर्सिटी को सूचना दिए, हमारी 500 कैपेसिटी था और हमें 720 लोगों की रजिस्ट्रेशन मिला। इसके मतलब ये है कि नाउ अमंग द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक एक प्रेरणा, एक इच्छा, एक उत्सुकता भी बढ़ रहा है डिजिटल लर्निंग के लिए और टू स्विच ओवर टू द ऑनलाइन सिस्टम। इससे भी हमें देखना है, हमने पहले 500 किया और उस वर्कशॉप में 3 मॉड्यूल था, पहले ऑर्गेनाइजिंग द कोर्स कंटेंट, दूसरा मॉड्यूल था डिलीवरिंग इट, थर्ड था स्टूडेंट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। और हमारे पास इतने डिमांड आए तो हमें उसको 3 एडिशनल वर्कशॉप में डिवाइड करना पड़ा, March 29, 30, 31, फिर April 1, 2, and 3, फिर April 13, 14, and 15। ये 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ द सेकंड मॉड्यूल हैज बीन प्रपोज्ड, वी आर थिंकिंग हाउ टू गो अबाउट इट। मैंने लास्ट टाइम में भाला साहब और नीरज जी के साथ इसको शेयर किया था। ये सब इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट भी बहुत पॉलिसीज बनाए है, AICTE, UGC, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर पुटिंग देयर कंसेंट्रेटेड एफर्ट्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन। आई एम श्योर कि वी विल बी होपफुल और हम इस अपॉर्चुनिटीज को हम इसको थोरली यूटिलाइज करेंगे। एंड वी हैव द वाइब्रेंट टीचर्स एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड बहुत अच्छा पॉलिसी प्लानर्स एंड एडवाइजर्स लाइक प्रोफेसर के अग्रवाल बाला साहब हैं और हमारे कुंवर विजेंद्र साहब हैं, जिन्होंने बहुत सारी एक्सपीरियंस इनके पास अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है, दे आर ऑल्सो इन टू द इनोवेशन एंड लर्निंग मोड। और इसके अलावा हमारे पास जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये सभीओं का सहायता में हम इसको डेफिनेटली वी कैन फ्रूक्टिफाई इट। एंड वन लास्ट पॉइंट आई वुड डिस्कस विथ यू कि मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा हूँ ओवर लास्ट 1 and 2 डिकेड्स मैक्सिमम एम्फोसिस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट और लिटिल बिट ऑफ नॉट लिटिल बिट इन लार्जर एक्सटेंड मेडिकल साइंस, फार्मेसी, यही कोर्सेस हैं जिनके बारे में हमने सोचा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए हैं और एवरी फोकस हैज बीन
कॉन्सेंट्रेटेड अपन दीज सब्जेक्ट्स. मुझे थोड़ा सा कहीं ये फील हो रहा है कि सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज ये अभी इनकी जो टीचर्स ये अभी लार्ज नंबर में डिजिटल मोड में आने के लिए तैयार नहीं है. टीचर्स की जो ओरिएंटेशन उनकी जो माइंडसेट थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है. हमें थोड़ा इन सब्जेक्ट्स की और भी ध्यान देने की आवश्यकता है. इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. धन्यवाद अमरेंद्र भाई. हमने आपको हमें कई बार मौका मिला आपको सुनने का और आपका जो स्पीच है वो हमेशा बहुत ही एनर्जेटिक और इन्फॉर्मेटिव होती है सर. सर एक हम लोग ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे. मैं अभी देख रहा था ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस. तो कुछ क्वेश्चंस में ज्यादातर ऑडियंस ने पूछा है. जी सर हाँ कुछ क्वेश्चंस है वो मुझे लगता है कि वो हमें ले लेने चाहिए. और एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो प्रोफेसर के अग्रवाल साहब के लिए आया है. तो मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ. उसके बाद आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा. हाँ प्रोफेसर अग्रवाल ने ब्लेंडेड लर्निंग की एक बात कही अपने जब विचार प्रकट किए. तो प्रोफेसर अग्रवाल क्योंकि इंजीनियर भी हैं और एक टेक्निकल वेल नोन एकेडमिशियन है. तो जो क्वेश्चन आया है कि हाउ इट इज पॉसिबल इन टेक्निकल एजुकेशन टू हैव ब्लेंडेड लर्निंग बिकॉज दिस इज द चैलेंज टुडे दैट वर्चुअल लैब्स आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया. इवन इफ वी लुक एट द यूनिवर्सिटीज द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ग्लोबली ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्चुअल लैब्स इज वेरी लिमिटेड. सो हाउ इट इज पॉसिबल एंड हाउ वी कैन डू इट. So this is one question which has come to me and it is addressed to you, Professor Akhon. जब मैंने ब्लेंडेड लर्निंग की बात की तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही करी है. देखिए ब्लेंडेड लर्निंग दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है जो सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है. वर्चुअल लैब्स भी एक रियलिटी हो चुका है लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है जितना लेक्चर्स हैं. सो मच सो देर आर यूनिवर्सिटीज जो विश्व में इवन मेडिकल एजुकेशन वर्चुअल लैब्स के माध्यम से कर रहे हैं. लेकिन मैं जब ब्लेंडेड लर्निंग की बात कर रहा हूँ तो मैं अभी इतना लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि हम लेबोरेटरीज थे उसमें अपने प्रोजेक्ट कोर्सेज से कोई कंप्रोमाइज ना करें. वो अभी फेस टू फेस ही लेबोरेटरीज में होने दें और सिर्फ जो थ्योरी कोर्सेज हैं उनको हम कोर्स पर डिपेंड करके 25% 30% 40% ऑनलाइन मोड पे कर लें और बाकी ना करें. तो भी मैं टाइम शेयरिंग के हिसाब से देखता हूं कि 50% टाइम एक विद्यार्थी का बच सकता है इंस्टीट्यूशन के क्लासरूम में बैठने से. यदि हम सिर्फ लेक्चर कोर्सेज का भी अबाउट 2/3 ऑनलाइन में ले जाएं जो मेरे हिसाब से बहुत संभव है. थैंक यू धीरज प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू. ये सर हमारे ऑडियंस की तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेना चाहूंगा. एक तो ये कंसर्न रेज हुआ है कि अभी क्योंकि समय ऐसा है कि हमें कोविड की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सकते और हम लोग लॉकडाउन पीरियड में हैं और हमारे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन सिस्टम में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और हमारा उस पर जोर भी है. तो दो कंसर्न है. एक कि इसमें क्वालिटी की मॉनिटरिंग कैसे होगी क्योंकि फिजिकल क्लासरूम्स में जहां हमारे स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं और टीचर्स की मॉनिटरिंग होती है तो एक क्वालिटी एजुकेशन हम लोग फिर भी मेंटेन कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम में क्योंकि ये एक तरीके से द्रोणाचार्य और लवे वाला शिक्षा पद्धति है. तो इसमें क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे. एक दूसरा जो सवाल आ रहा है वो ये कि क्योंकि हमें काफी समय तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी हमारे क्लासरूम में जहाँ एक क्लास में सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं वहाँ हम ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कर पाएंगे. एक बड़ा चैलेंज हो सकता है. तो इसमें मैं समझता हूँ कि प्रशांत जी या शेखर जी जो एक्चुअली यूनिवर्सिटीज रन कर रहे हैं वो शायद इस बारे में ज्यादा ठीक से आंसर दे पाएंगे. कौन शेखर जी आप क्या रखें मेरे लिए अग्रवाल जी. हेलो ये प्रशांत जी के लिए है या कुंवर शेखर जी के लिए. हाँ देखिए जो आपने बात करी क्वालिटी की डेफिनेटली एक कंसर्न तो है बट आजकल जो टूल्स अवेलेबल हैं
जिसमें एनेबलिंग फीचर्स हैं, जिसमें आप पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज हैं। कई बार हम ये सुनते हैं कि हर बच्चे को बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी नहीं होती, और जब बच्चा कहीं अपने घर में अगर क्लासेस ले रहा है तो, और कोई बच्चे कहीं इंटरनेशनली भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं, बट ये रिकॉर्डिंग फैसिलिटी आपके पास है। बाकी मेन मेरे को लगता है इसमें एम्फेसिस थोड़ा जो हमें करना पड़ता है वो जो जिस तरह के आप असाइनमेंट्स बिल्ड करते हैं, क्वेश्चन बिल्ड हैं, उन क्वेश्चंस पे जो कंटेंट है या जो मेथडोलॉजी है थोड़ा सा वो अप्रोच चेंज करनी पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा टीचर्स की ट्रेनिंग प्रॉपर करें और टीचर्स को सिखाएं कि भाई आप अपने क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें इन्वॉल्व करें जिसमें आप क्विजेस ज्यादा दें, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस हों, और आप इंटरेक्शंस को एनकरेज करें, तो थोड़ा सा इससे आप इंश्योर करते हो कि मोनोटोनस डिलीवरी ना हो, बच्चा जो है रेगुलरली उसमें इन्वॉल्व रहे। ऑब्वियसली जैसे अगर हम अपने मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी करीबन 20-25% कंटेंट जितने सपोर्टिंग टूल्स हैं उसके थ्रू पहले भी ऑनलाइन डिलीवर किया जा रहा था, बट वी वर लाइक वी हैड अ टीम दैट वी वर रियली एबल टू इमीडिएटली मूव ऑनलाइन एंड वी वर एबल टू प्रोवाइड दैट एक्सेस टू आवर फैकल्टी ऑल आवर स्टूडेंट्स। तो हमने जब वहाँ शुरू किया तो हमने ये नोटिस किया कि अटेंडेंस इम्प्रूव हुई। मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं अपने डेंटल इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो वहां पे 99% अटेंडेंस आने लग गई कि बच्चों में इंटरेस्ट बनने लग गया, और डेंटल के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो। बाकी इंस्टीट्यूशंस में ये काफी प्रेविलेंट था, हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा अभी इसमें टाइम था उनको सीखने के लिए लगा, बट आई थिंक द वे दे अडैप्टेड इट एंड द वे स्टूडेंट्स रियली वेंट इन एंड दे वर टोटली इन्वॉल्व्ड। सो और कई जगह तो बल्कि हमने जैसे स्कूल्स की अगर हम बात करें, हमारे स्कूल्स में हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्लेटफॉर्म जब लिया और टीचर्स को ट्रेनिंग कराई तो उनको ट्रेनिंग में काफी हमने एफर्ट्स बिल्ड किए। उसके बाद इवन हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लासेस हैं और बच्चों की म्यूजिक क्लासेस हैं, इवन हमारा जो मेकर शाला करके एक इनिशिएटिव है जिसमें स्किलिंग रिलेटेड और प्रोजेक्ट्स रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सारी ट्रेनिंग भी आज ऑनलाइन चल रही है। तो एक बार मोमेंटम बनाने की बात थी और धीरे धीरे आई थिंक एवरीबॉडी रियली अडैप्टेड इट, इवन स्टूडेंट्स supported it, parents also supported it at the schools level. So I think it's only about maybe an initial sort of thing that you have that nahi ye shayad challenging hoga, but I think what I realize everybody has adopted it beautifully and it's true for most of the institutions and they are finding innovative ways. Even in Haryana, if I see government schools also, they have created this initiative of sending assignments and work through WhatsApp groups and all that. So everybody is trying their own bit. Even government, I think, is supporting a lot. I think AICT, we already saw what they are doing. Even I think on research, they are creating some platforms where collaborative research is also happening. So I think new avenues have emerged, and I think technology is really becoming a boon now, I would say. Okay, as I mentioned, initially we had a very, very different view on technology, but today it is basically pushing everything and what we are trying to do. So that's what I would say. मैं समय की कमी को देखते दो क्वेश्चन और लूंगा। मेरा ये क्वेश्चन मोहित गंभीर जी के लिए है। सर जैसे हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्रावधान भी है, तो मोस्टली इस टाइम हमारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं। अब क्योंकि हमें हमारी इंडस्ट्रीज भी बंद है और हमें डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के AICT के कुछ व्यूज हैं क्या, या उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं क्या यूनिवर्सिटीज या टेक्निकल कॉलेजेस को कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को या तो किस तरीके से स्टार्ट किया जाए या इसको पोस्टपोन किया जाए, बाद में हम इसे कर सकते हैं, इस तरह की कुछ गाइडलाइन है जो AICT देना चाहेगा या दी है? मोहित जी, पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि हमने अभी ये बोला है अभी तक फ्रॉम AICT की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ज्यादातर जहां पॉसिबल है ऑनलाइन होगी, और साथ ही हमने उसको डिले किया है टिल दिसंबर 2020, और बाकी जो गाइडलाइंस है वो इन फ्रेम है, और बहुत जल्दी जो भी एग्जैक्ट सिचुएशन होगी एनालाइज करते हुए, जैसे अभी प्रशांत जी भी बता रहे थे कि बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है सोशल डिस्टेंसिंग का, और इंडस्ट्री भी दूसरे तरीके से अपने जो उनके लिए भी फॉल बैक है या बैकलॉग्स है उससे भी वो उभरना चाहेंगे, तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत जल्दी एक परफॉर्मा और एग्जैक्ट गाइडलाइंस वी आर गोइंग टू रिलीज अकॉर्डिंगली दैट हाउ इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। मुझे इसमें ऐसा पॉसिबल है क्या कि जैसे मान लीजिए कि हमारे कुछ टेक्निकल ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो कि हमारे रेगुलर कोर्स करिकुलम के तरह से नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है या कोई ऑटोकैड का कोई ऐसा कोर्स है, तो हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट वो इस तरह के कुछ
ऑनलाइन 30 डेज या 45 डेज के कुछ कोर्सेज अटेंड करके अगर वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं उन संस्थाओं से तो उसको आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग में कंसिडर कर लेंगे, कुछ तरह के या इस तरह को सुझाव एआईसीटी को हम दिया जा सकता है जी। नीरज जी, लास्ट ईयर ही मैं ये बताऊं कि इस कोविड की आपदा से पहले ही लास्ट ईयर एआईसीटी ने एक न्यू इंटर्नशिप पॉलिसी रिलीज कर दी थी जिसमें हमने काफी सारी ऐसी जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको कवर किया गया था कि कोई बच्चा अगर किसी प्रोग्राम में भाग लेता है, किसी हैकाथन में भाग लेता है या कहीं और जाके कोई इवेंट में करता है तो कई सारे क्रेडिट उसको इंटर्नशिप के तौर पर हमने इंक्लूड कराने शुरू किए थे ना। अब रही बात एक ऐसी चीज की थी कि देखिए बहुत प्रोग्राम कई ऐसे स्पेसिफिक होते हैं कि बच्चा जब तक इंडस्ट्री में जाके एक टिपिकल मशीन पे या किसी और चीज के बारे में नहीं जानेगा तो वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो जहां तक पॉसिबल है ऑनलाइन करना, उसको एक कंज्यूम कराना किसी चीज के लिए, दैट इज अगेन गाइडलाइंस आर इन प्रिपरेशंस। और फिजिकल वाली जो एस्पेक्ट है उसको कैसे मीटअप करेंगे उसके लिए भी बिल्कुल हम सोच वहां पे विचार विमर्श कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही कुछ अच्छी गाइडलाइंस के साथ आएंगे जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि हमारा समय पूरा हो गया है और हमारा आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें राजस्थान के महामहिम राज्यपाल जी को सुनने का अवसर मिला, राजस्थान में उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया है। सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने हमसे सुझाव मांगे हैं और हम इस हमारे इस चर्चा के बाद सुझावों की एक लिस्ट बनाएंगे, उनको देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुझावों को मानेंगे। आप हमारे ईमेल आईडी पर सुझाव भेज सकते हैं, हम उन सुझावों को कंपाइल करके उसको राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के पास भेजने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मैं आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं सभी ऑडियंस का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकाल करके और आज का समय दिया। सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग वैसे नॉर्मली रिलैक्सिंग मूड में होते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कम्युनिटी पार्टनर आसमा का, मिस्टर राहुल जैन का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को डिजाइन करने में और आगे प्रमोट करने में हमारी हेल्प की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू यू ऑल। Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir.